विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम महिला खिलाड़ी इस वक्त सबूतों की बात कर रही हैं। ये कहा जा रहा है कि उनके पास तमाम ऑडियो और वीडियो क्लिप्स हैं, लेकिन अगर इन सबूतों को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी होने में देरी नहीं लगेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो है शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, और शक्ति प्रदर्शन के पहले पहले ये कहा जा रहा है कि तमाम सबूतों को पेश किया जा सकता है, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक के बाद एक बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां एक ओर ब्रजभूषण शरण सिंह ने नार्को टेस्ट के लिए हां कर दिया है, तो वहीं देखा जाए तो खिलाड़ियों के नार्को टेस्ट के लिए यहां पर आवाज खड़ी कर दी। ये कह दिया कि मैं तो तैयार हूं नार्को टेस्ट के लिए, लेकिन खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह किए जा रहे हैं कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनमें से तमाम महिला खिलाड़ी नाबालिग हैं, यानी कि उनकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उनके साथ नार्को टेस्ट किया जाता है तो ये ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ बजरंग पूनिया ने यहां पर नार्को टेस्ट के लिए हां भी कर दिया है, लेकिन नार्को टेस्ट के इतर अगर हम लोग बात करें तो सबूतों की बात चल रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ऑडियो क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, तो आप उनको पेश कर दीजिए, आप उनको सुप्रीम कोर्ट में दिखा दीजिए। तो यहां पर खिलाड़ियों का यह कहना है कि अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद गिरफ्तार तो किया नहीं, तो सबूतों का क्या। और यहां पर कहीं ना कहीं प्राइवेसी की बात की गई है, उन्होंने कहा कि सबूतों में महिलाओं की प्राइवेसी है, ऐसे कैसे हम प्राइवेसी को किसी के साथ जो है शेयर कर दें। तो तमाम सवाल यहां पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर पर शुरू हो रहे हैं, बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा आंदोलन देखने के बाद चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार एक महीने से ऊपर का समय हो चुका है और खेल पर गहरा असर पड़ रहा है। तमाम अखबारों में ये रिपोर्ट छप रही है कि जो छोटे छोटे महिला खिलाड़ी हैं, या फिर यूँ कहें कि जो छोटे छोटे खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं आगे अपना भविष्य खेल में देखते हैं, उनका विश्वास टूट रहा है। तो इस विश्वास को कैसे देश के प्रधानमंत्री जोड़ेंगे, ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि सबूतों को पेश कब किया जाए, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को BJP बचाने का काम कर रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।